हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर्स इस सीरीज में, और ये इसका पार्ट 7 है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। जो हमारा टेम्परेचर दे रखा है उसे हमें किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो बेटा हमारे टू टाइप्स ऑफ वो होते हैं टेम्परेचर को अगर हम मेज़र करते हैं, के फॉर केल्विन और डिग्री सेल्सियस फॉर सी, कैपिटल सी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट है इसका 300 डिग्री केल्विन। तो देखो बेटा, अगर हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो हम क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका है ये, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 300 माइनस 273, तो कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। इसका बी पार्ट है 573 की, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, 273 माइनस करेंगे, तो 573 माइनस 273 तो कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड है इसका 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बेटा, जो वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, तो वो किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैस में भी होगा। क्यों, क्योंकि जब पानी उबल रहा होगा तो हल्के हल्के उसमें से वाटर वेपर निकल रहे होंगे। तो देखो इसका आंसर है, अगर 250 डिग्री सेल्सियस पे है तो मतलब पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उबल रहा है, तो पानी नहीं बचा और कौन सी स्टेट बन जाएगी, गैस। और अगर इसमें आएगा तो 100 डिग्री पर पानी उबलना शुरू हो जाता है, तो लिक्विड एज वेल एज गैस, इसका आंसर होगा लिक्विड एज वेल एज गैस। अब इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ओके, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करना है तो जो उसका टेम्परेचर वो कांस्टेंट क्यों रखते हैं। तो आंसर देखो, पहले इसका आंसर लिखो फिर मैं समझाती हूँ। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस। देखो बेटा, अगर हम चेंज कर रहे हैं किसी स्टेट को तो हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसको ताकि वो चेंज कर सके। फिर क्या होगा उससे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस मैटर यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
देखो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो हीट प्रोवाइड होती है उसको यूज़ कर लेते हैं ताकि वो ओवरकम कर सकें जो हीट ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन के लिए लग रही है हीट बिटवीन द पार्टिकल्स एट दिस पीरियड ऑफ टाइम, इस समय जो हीट जो उनको अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है. सो द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट. अगर हम एक साथ बहुत सारी, इसलिए हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं. अगर हम एक्स्ट्रा हीट दे देंगे तो क्या होगा देखते हैं अभी. द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, इसके बाद दिस एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड, दिस एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट. और जो ये एक्स्ट्रा हीट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट भी बोलते हैं, और वी कॉल इट या फिर कॉल्ड लेटेंट हीट, जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं. टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू द अदर. देखो बच्चा हमने पढ़ा था ना लेटेंट ऑफ हीट इवेपोराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है. तो इसीलिए हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं कि जितनी हीट दी जा रही है उस सबसे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बाहर आ सके. उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस. कैसे करते हैं हम लिक्विफाई, कैसे कर लेते हैं गैसेस को, कैसे लिक्विफाई करते हैं. तो हमने आपको पढ़ाया था पहले उस पर प्रेशर डालेंगे, ठीक है. तो आंसर है इसका द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन अ सिलेंडर. उनको एक सिलेंडर में ले लेंगे विद पिस्टन. पिस्टन वो वाला भाग जिसको हम दबाएंगे जोर से, विद पिस्टन ऑन इट, उनके ऊपर पिस्टन होगा. बाय कूलिंग, पहले उन गैसेस को क्या करेंगे, ठंडी करेंगे. एंड अप्लाइंग प्रेशर, और उस पर क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर डालेंगे. ऑन देम द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड. गैसेस क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी. किस प्रकार से, चलो देखते हैं. मैं आपको बस एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ. जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, यहाँ से ये पिस्टन हो गया आपका, और आपका ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ये पिस्टन जा रहा है, ठीक है. पिस्टन क्या करेगा, फोर्स लगाएगा यहाँ से, ये कंटेनर है, और यहाँ से ये आपका कॉर्क लगा रखा है. क्या लगा रखा है, कॉर्क लगा रखा है, और इसके अंदर ये क्या है, आपकी गैस है. ये डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ. तो पहले तो इसे ठंडा करेंगे, ठंडा होकर के क्या हो जाएगा ये, तो और थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने जब चैप्टर समझाया था तब भी समझाया था, तो क्या होगा ये लिक्विड में चेंज होगा. जब फिर और प्रेशर लगाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये गैस में चेंज हो जाएगा. ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.